Yes, very good afternoon, dear students. Today we will revise our next chapter, that is water. आज हमने water chapter revise करना है. So first of all, write any five uses of water. Write in the chat box. Any five uses of water. हम water use करते हैं ना daily. Daily आप water use कर रहे हो. Write any five uses of water. Write in the chat box any five bathing. Okay, Pratiksha, correct. Drinking, cooking, cleaning. Very good, Tanisha, Gurveer. Good, good Simar, you are not writing in the chat box. Good Simar Singh, write in the chat box any five uses of water. Cooking, okay. Aur bataiye. Putting out fire is also correct. So let's see what I have written. Drinking, bathing, washing, cleaning, cooking. Okay, any five uses you can write. Putting out fire is also correct. Next is why do plants need water? Write in the chat box why do plants need water? बेटे जब आप मैम के इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है सिंपली लुक इन टू योर बुक, अपने चैप्टर में देखो, आपको आंसर मिल जाएगा एंड राइट इन द चैट बॉक्स. व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर. वेरी गुड मोक्षदीप, वेरी गुड तनीषा. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड. गुड, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. ठीक है, नंबर वन पे मैम ने क्या लिखा है? Plants need water to grow, and second point is they also need water to make food. अपना food बनाने के लिए plants को water की जरूरत होती है. Okay, now next is why do animals need water? Now write in the chat box why do animals need water. Why do animals need water? Very good, Gursirat. Harleen, correct answer. Kashish, correct answer. Very good, Mokshdeep. Your answers are correct. Animals need water for drinking and bathing, and also water is the home of many animals. बहुत सारे animals भी water में रहते हैं. तो animals को water की requirement क्यों है? पानी पीने के लिए, अपने आप को clean करने के लिए, और बहुत सारे animals का घर होता है water. Okay. Sukman, why are you sad? Are you sad? Yes, Sukman. Unmute करो अपने आप को.
हाँ जी, आर यू सैड मैम? वो मैं चैट बॉक्स में वो पता नहीं वही भेज पा रहा, वो चैट बॉक्स में अच्छा लिखा जी नहीं नहीं जा भेज रहा पा रहा आपने मैं चैट, क्यों? मैं लिख रहा था बटन टाइप, कोई मैं बात बटन टाइप कर रहा था पर सेंड करने लगता हूँ नहीं होता मैम। नहीं होता, ओके कोई बात नहीं। आप ऐसे करो, आप साथ साथ अपने आंसर ना नोटबुक पे लिखते जाओ, और जब क्लास ओवर हो जाएगी उसकी फोटो क्लिक करके मैम को भेज देना, ठीक है? हैप्पी? ओके चलिए, सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है, बट आपने मैम को बतानी है अपनी प्रॉब्लम। ओके गुरसिमर, आपसे तो लिखा जा रहा है ना चैट बॉक्स में। ओके चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? ये तो सबको पता है, क्विकली सबने इसका आंसर लिखना है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? चलिए बताइए। वेरी गुड शिवांश, गुड सीरत, मोक्षदीप। मोक्षदीप के रेन के स्पेलिंग रॉन्ग है भाई। मेन सोर्स ऑफ वॉटर ऑन अर्थ इज रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर, ठीक है? नेक्स्ट, वॉट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वॉटर? हमें और वॉटर कहाँ कहाँ से मिलता है? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वॉटर के नेम लिखेंगे आप चैट बॉक्स में। वेरी गुड प्रतीक्षा, दिव्यम, गुरशीन, सीरत, निशा, मोक्षदीप, वेरी नाइस, टेक केयर ऑफ योर स्पेलिंग्स ऑल्सो। लुक एट योर स्क्रीन, द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर, वाटरफॉल, और भी हैं, सीज, ओशंस, ट्यूबवेल, वेल, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ टेल मी व्हाट इज ग्राउंड वाटर? हमने अपने चैप्टर में रीड किया, ग्राउंड वाटर क्या होता है? ओके जल्दी से अपनी बुक में से देख लो, मैं किसी भी बच्चे को अनम्यूट करूंगी और उसने मुझे आंसर बताना है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जल्दी से बुक में से देख लो, क्विकली चेक इन योर बुक। हाँ जी अभिजोत कुमार, अनम्यूट करो। यस मैम। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? सेम रेन वाटर, सम रेन वाटर goes deep into the ground. This is called groundwater. Very good. जो रेन वाटर होता है उसका बाकी तो रेन वाटर लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में चला जाता है, लेकिन उस कुछ रेन वाटर नीचे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, डीप अंडर द ग्राउंड, उसे बोला जाता है ग्राउंड वाटर। Rain water that goes deep into the ground is called ground water. Got it, बेटे? सबको समझ आ गया ground water क्या होता है? Now next, how do we get ground water? अब हमें उस ground water को लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? सुखमनजोत unmute करो। Yes, ma'am. How do we get groundwater? कौन से सोर्सेस होते हैं ग्राउंड वाटर के? वेल। वेरी गुड। और हैंडपंप।
एंड फ्रॉम हाँ अपनी बुक में से देख लेना होता है बेटे आपने फटाफट से. ओके चलिए. वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स हैंडपम्प ट्यूबवेल. ठीक है वेल्स हैंडपम्प ट्यूबवेल से हम ग्राउंड वाटर ले सकते हैं. नेक्स्ट इज विच आर टू बिग सोर्सेस ऑफ वाटर. टू बिग सोर्सेस ऑफ वाटर बताने हैं अब आपने. विच आर टू बिग सोर्सेस ऑफ वाटर. वेरी गुड. Two big sources of water are seas, oceans. Seas and oceans are two big sources of water. Next, look on your screen. Write true or false. अब मैम आपसे जो स्टेटमेंट पूछेंगे आपने उसका आंसर लिखना है. Is it true or is it false? So the first is we should always drink clean water. We should always drink clean water. हाँ जी जसनूर सिंह अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ जी रीड करो क्या सेंटेंस लिखा है स्क्रीन पे. We should always drink clean water. ये ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू. क्या है इसका मीनिंग. इसका मीनिंग है हमें साफ पानी पीना चाहिए. हाँ जी सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. गुड. नेक्स्ट इज हरलीन. हरलीन अनम्यूट करो. यस मैम. रीड द सेंटेंस. रीड द सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन. वाटर. ओके मैम. क्विकली. वाटर इन पॉन्ड्स लेक एंड rivers is very clean. Ponds नहीं होते बेटे ponds. हाँ जी क्या समझ आया आपको. क्या समझ आया बेटे. हरलीन क्या समझ आया. क्या मीनिंग है इसका. कि पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर का वाटर बहुत ज्यादा क्लीन होता है बहुत ज्यादा साफ होता है. क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू. ये साफ होता है लेक का वाटर रिवर का वाटर पॉन्ड का वाटर साफ होता है. आप कभी कहीं घूमने जाते हो रास्ते में आपको पॉन्ड या लेक या रिवर नजर आते हैं क्या आप उससे डायरेक्टली वाटर पी सकते हो. नहीं ना. नो. इसलिए ये क्लीन नहीं होता. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज प्रीशा. प्रीशा पांडे अपने आप को अनम्यूट कीजिए. यस मैम. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक. क्या मीनिंग है. डर्टी वाटर पीने से
हम बीमार होते हैं. तो क्या ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. यस, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक. वेरी गुड बेटी. चलिए, थैंक यू मैम. ऑन टू नेक्स्ट. हाउ इज वाटर मेड इम्प्योर? पानी इम्प्योर कैसे हो जाता है, गंदा कैसे हो जाता है? कौन बता सकता है मैम को? अपना नेम लिखिए चैट बॉक्स में. हाउ इज वाटर मेड इम्प्योर? ओके तनीषा. हाँ जी तनीषा, अनम्यूट करिए. यस मैम. हाँ जी, हाउ इज वाटर मेड इम्प्योर? पानी गंदा कैसे हो जाता है? इट इज मेड इम्प्योर बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वाटर को इम्प्योर बनाती हैं? वेरी गुड. थ्रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वाटर बॉडीज. ओके एंड नेक्स्ट. वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बाथिंग ऑफ एनिमल्स. वेरी गुड. वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रोन इनटू द वाटर, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बेथिंग ऑफ एनिमल्स मेक द वाटर इम्प्योर. वेरी गुड. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग? हम उस वाटर को अपने पीने के लिए फिट कैसे बना सकते हैं? तो इसका रिप्लाई मुझे करना है मंजोत. यस मैम. हाउ कैन वी मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग? कैसे कर सकते हो पानी को प्योर, उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग? बाउल करके. बॉइल करके. बॉल नहीं, बॉइल. बॉइल मींस कि उसको इतना हीट करना है कि उसमें से सारे जर्म्स मर जाएं. और ओके मैम. और कैसे कर सकते हैं? प्यूरिफाई करके. प्यूरिफायर्स यूज करके. सो फर्स्ट इज बॉइलिंग एंड द सेकंड इज आरओ सिस्टम. सबके घर में आपके आरओ सिस्टम्स लगे हुए हैं. जब आपका टैप वाटर जो होता है आप उसको डायरेक्टली नहीं पीते हो, आप उसको फिल्टर करके पीते हो. नेक्स्ट इज शुड वी सेव वाटर? क्या हमें पानी बचाना चाहिए? Write in the chat box, should we save water? Yes or no? Yes, we should save water. Yes. Next is, how can we save water? हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं? अक्षिता, अनम्यूट कीजिए. Yes, tell me, बेटे, how can we save water? हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? अक्षिता बोलो. Do not take long shower. और अक्षिता, आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर. मुझे आपकी आवाज नहीं सुन रही है.
हाँ जी, हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? हमें लॉन्ग शार्ट्स नहीं लेने चाहिए, हमें फ्री हैंड के साथ अपने व्हीकल्स को वॉश नहीं करना है, हमें अपने ग्लास में उतना ही वाटर लेना है जितना कि ठीक है, हमें शावर्स की बजाय बकेट एंड मग से नहाना चाहिए। ओके, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम वाटर को सेव कर सकते हैं। जब आपने ब्रश करना है तो पानी को खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रख के हम वाटर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गूगल फॉर्म। आई एम गोइंग टू पेस्ट द लिंक इन योर चैट बॉक्स, जिससे आपने गूगल फॉर्म करना है और क्विकली अपने मार्क्स लिखने हैं चैट बॉक्स में। ओके, दैट्स ऑल। अभी लेट मी पेस्ट द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म इन योर चैट बॉक्स। Yes, बेटे, I have pasted the link in the chat box to the Google form and write your name in write your marks in the chat box. Quickly do the Google form and write the marks in the chat box. Let me paste the link again. Yes, I have pasted the link. Check in your chat box. There is a link. उस पे आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा। आपने गूगल फॉर्म करना है और जल्दी से मुझे मार्क्स बताने हैं चैट बॉक्स में। ये गूगल फॉर्म आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है? दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। एंड किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। आप मैम से कुछ भी पूछना चाहते हैं, गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है बेटे। आपके कई बच्चों के मार्क्स आ गए हैं, देखो चैट बॉक्स में। लेट मी पेस्ट द लिंक अगेन। थ्री टाइम्स आई हैव पेस्टेड द लिंक, सो डू द गूगल फॉर्म, ट्राई अगेन। ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल मार्क्स, दैट्स वेरी गुड। सो इन दिस वे बेटे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैम से पूछ सकते हो।